ये देखें जी, ये पूरा इसके अंदर ये USB, ओहो ये देखें जी, ये चेक करें जी, ये फेक USB दे के ये लोगों को लूट रहे थे। अब ये 128 GB की USB है, ये स्पीकर है और इसके अंदर ये चलाते हैं, ये इनकी अपनी USB है, इसको ऐसे ये डाल के चेक करवाते हैं। ये कब से बेच रहे हो? 2-3 दिनों से। ये 128 की कितने की देते हो? 50 रुपए, 100 रुपए। ये इनका तरीका है वारदात नाजिन, ये था ये यहाँ पर रख के और ये बेचते हैं। सर 200 रुपए देने के जी है, बिल्कुल सही है, जो चल रहा होता है वो और इनके पास होता है। सर इधर 8-10 साल से काम करते हैं। डेली कितनी बेचते हो? 4-5 दाने, ज्यादा नहीं। अच्छा जी नाजिन, इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब पुलिस के साथ और ये जनाब एक लड़का इन्होंने पकड़ा और ये USBयां बेचते हैं जनाब, और ये 2 नंबर USBयां होती हैं। अब इससे बात करते हैं, कहाँ से आए हो? पिशावर से। बेच कब से रहे हो ये वाली? मैं अभी आया यार पिशावर से। ये कब से बेच रहे हो? 2-3 दिनों से। कहाँ से लेके आते हो? हाल रोड से। हाँ ये तो 2 नंबर हैं। मुझे भी पता है 2 नंबर है। पता है? हाँ। तो फिर भी बेची जा रहे हो? 50 रुपए, 100 रुपए कीचड़ के लिए, चाबी चेंज के लिए। कितने की देते हो? 50-100। कितने GB की ये? 128 GB की जी। कितने की? 128 GB, 16-32 है। ये 128 की कितने की देते हो? 50 रुपए, 100 रुपए। जौन सी मर्दी आप 50 रुपए में देते हो? हाँ। नाजरीन ये बैग पकड़ा जनाब इनसे, और ये हमारे पंजाब पुलिस के जवान हैं, और ये एक बहुत बड़े, ये देखें जी, ये पूरा एक बड़ा हुआ बैग है और इसके अंदर ये USB, ओहो ये देखें जी, ये चेक करें जी, ये हज़ारों की तादाद के अंदर है जनाब, और ये 50-50, 100-100 रुपये में शहरियों को लूटा जा रहा था जनाब, और ये फेक USBयां दे के ये लोगों को लूट रहे थे। अब ये 128 GB की USB है और ये जनाब 50 रुपये में, और उसके बाद ये 256 GB की USB, ये भी 50 रुपये में, ये यहाँ पर बैठ के लोगों को यानी के लूट रहे थे। और पंजाब पुलिस ने बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया, और थाना बाटी गेट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये ऐसे लोग यहाँ पर बैठ के जो कि दूसरे शहरों से लोग आते हैं उनको ये लूट लेते हैं। अब जनाब शबीर साहब किस तरीके ने जनाब इतने कार्रवाइयां कर रहे थे? ये सर वो तो परले पास खलोते सी, वो सामने। अच्छा। परले पास तो एक भाग्या, इसको पकड़ लिया, और जो भाग्या इसका वो स्टैंड है। ये दिखाएं जी, ये मोबाइल स्टैंड पे इनके ये दिखाएं जी, अच्छा इसके ऊपर रख के बेच रहे थे। ये इनका तरीका है वारदात नाजिन, ये था, ये यहाँ पर रख के और ये बेचते हैं, इसके ऊपर रख के बेचते हैं, इसके ऊपर रख के बेचते। आपको 1-5 पे कॉल आई थी? नहीं, हमने 1-5 कॉल में नहीं की, हमने वैसे ही अपनी तरफ से कार्रवाई की है, इसको पकड़ा है। आप गश्त पे थे? गश्त पे थे। पेट्रोलिंग कर रहे थे जनाब, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये थाना बाटी गेट को अप्रिशिएट करूंगा जनाब। ये बेचने के लिए भाई, ये चलाने वाला नहीं, ये खराब है सारे, सिर्फ लोगों उल्लू बना देने। आप ये बताओ, ये USB है 128 GB की, आज इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप जो गाहक आते हैं उन्हें क्या कहते हैं 128 GB की है? भाई सिर्फ ये देखे जी नाजिर, उसी कितने ले आगे वो तो सीढ़ियाँ थले बैठे होंगे ने, तो सर 200 रुपए देने के जी है, बिल्कुल सही है, असं पूछे 2-3 दफा क्या कहते, बिल्कुल सही है जी, और लुटते ने जी लोगों। शर्म नहीं आती आपको? पेशावर तो ये काम करने लोगों को लूटने के लिए। अब ये देखें जी, ये स्पीकर है और इसके अंदर ये चलाते हैं, ये कैसे चेक करवाते हो बताओ मुझे, चेक कैसे करवाते? बाकी खराब होते हैं सारे, एक सही होता है, कहते हैं ये देखे ये चल रहा है, जो चल रहा होता है वो और इनके पास होता है। ये कैसे चेक करवाते हो मुझे दिखाओ, ये कैसे चेक करवाते हो बताओ मुझे? आप चेक करो यार इसमें, आप बताओ ना कैसे चेक करवाते हो? इसमें डालो यार। ये देखें जी नाजिन, ये USB होती हैं, और जो के ये आते हैं दूसरे शहरों से लोग, ये उनको ऐसे इसके अंदर डालते हैं और चला के जनाब दिखा देते हैं। ये कब से यहाँ पे लोगों को लूट रहे हो इस तरीके से? कब से लूट रहे हैं? है यार सर इधर 8-10 साल से काम करते हैं। तो ये 2 नंबरी कर रहे हैं यहाँ पे, 8-10 साल 2 नंबरी कर रहे हैं।
लेकिन आज हाथ पकड़े गए हो सर। मैं भी आए, मैं वो नंबरी तो नहीं छुपती ना, वो तो पकड़ी जाती है। ये देखें नाजिन, ये दिखाएं जरा, दिखाएं, ये देखें जी, ये एक यूएसबी है और ये इनकी अपनी यूएसबी है, इसको ऐसे, और ये देखें जी पश्तो गाने लगे हैं, और ये डाल के चेक करवाते हैं। अच्छा जी नाजिन ये देखें, इसके अंदर ये किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। इसका कलर देखें कि ग्रीन है, और इसका कलर इस यूएसबी का ग्रीन है, और इसका ब्लू है, यानी कि ये इनकी ये चलाकी होती है, होशियारी होती है, और ये वहाँ पे इस तरीके से लोगों को पागल बनाते हैं। और जनाब ये 200-250 रुपए की जनाब बेचते हैं। अभी पकड़ा गया है और अभी कह रहा जी मैं इसके छल्ले के तौर पे ये लोगों को बेचता हूँ। लेकिन अच्छा मुझे ये बताओ डेली कितनी बेचते हो? 4-5 दाने, ज़्यादा नहीं निकलते। झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे, मेरे साथ खड़े हो जाओ। ये बैग भी इससे जनाब बरामद हुआ, और ये स्टैंड है, और वो और इसके ऊपर रख के बेचते हैं। ये स्टैंड था और वो हमने आपको दिखाया भी है। और बाकी अभी जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं, वो बैठे होंगे और उनसे पूछते हैं। आ जाएं सजा साहब, बैठे। अस्सलाम वालेकुम सजा साहब, कैसे हैं आप? से ठीक है आपकी? आप जनाब आपने बंदा पकड़ लिया है, ये तो कार्रवाई यहाँ पर बहुत देर से कर रहा था। आप देखता हूँ, अभी मैंने देखा कि ये यूएसपी ऐसे बेच रहा है, इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या इसकी वो चल रही है, गलत है सही है, अभी जाके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर जराइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा दो नंबरी हो रही है, तो उसको भी कंट्रोल करना आपका काम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप भाइयों के तावन से, आप लोगों के साथ से, हम अपनी पूरी कोशिश। मंशियात यहाँ पर सरेआम बिकती है, जिसम रोशी का धंधा यहाँ पर सरेआम होता है, तो ये भी चीज़ें कंट्रोल करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ पता चलता है अपनी एफर्ट तो हम पूरी रात दिन कर रहे हैं, चाहे जो भी है, जितनी भी ड्यूटी है हमारी, जितने मुलाजम है सारे निकल लेते हैं, और रोज़ कोई ना कोई कार्रवाई हम कर रहे हैं। ठीक है, हम जाके इसकी चेक करते हैं कि दो नंबर है क्या है, क्योंकि पहले पहले कभी ऐसा केस पकड़ा नहीं। ले जी ये हालात हैं जी, और ये थाना बाटी गेट है और उनकी पुलिस है, और सजाद साहब थे हमारे साथ, और एएसआई साहब हैं थाना बाटी गेट के अंदर, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जराइम का गढ़ बन चुका हुआ है। यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे जराइम हैं, यहाँ पर मंशियात सरेआम बिकती है, जिसम रोशी का धंधा यहाँ पर सरेआम होता है, यहाँ पर बच्चों के साथ बदवेली की जाती है, और यहाँ पर सिनेमा थिएटर बने हुए हैं जहाँ पर दिखाई जाती हैं। इससे ही मैंने प्रोग्राम किया है, लेकिन सजाद साहब कह रहे हैं कि आपके तामुन से ये सारा जराइम यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। तो नाजिन ये हकाइक आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, और आपसे मैं वादा करता हूँ कि दरबार का जो एरिया है इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द हम साफ़ और शफाफ बना देंगे, और अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हमारा लाहौर है और हमने ही इसको साफ़ सुथरा बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम पंजाब पुलिस के साथ मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे मुस्तकबिल के अंदर भी, और आपको देखने के अंदर मिलेंगे। तो नाजिन ये वीडियो दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था, ताकि हम आपको ऐसे मकरूज चेहरे जो हैं वो आपके सामने ला सकें। तो अपने मेज़बान नई बड्डी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए देखो टीवी।